नमस्कार, स्वागत है आपका आतंकवाद के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के भोटक के बाईपास मंडी राजमार्ग पर अघार में निजी बस और टेम्पो की भिड़ंत, बस में बैठी 17 सवारियां घायल, घायलों को उपचार के लिए लाया गया भोटा सामुदायिक केंद्र में। हमीरपुर के बीचों बीच से गुजरने वाले धर्मशाला शिमला राजमार्ग पर गड्ढे पड़ने और सीवरेज लाइन के टूटने के कारण लोगों को बनी समस्या, वाहन चालकों के साथ साथ पैदल आवाजाही करने वालों को भी झेलनी पड़ रही है परेशानी। जनमंच कार्यक्रम के लिए चयनित की गई पंचायतों में विभिन्न विभागों ने प्री जनमंच गतिविधियां कर दी है तेज, लोगों को अन्य योजनाओं की विस्तार से दी गई जानकारी। सुजानपुर टेहरा में बतौर उपमंडल अधिकारी का कार्यभार संभालते ही शिल्पा बेल्टा ने कहा कि ऐतिहासिक चौगान की सुंदरता को निहारने के लिए करेंगे काम, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए जारी रहेंगे प्रयास।